गुड वट एवर इट इज आफ्टरनून और इवनिंग जब भी आप देख रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं तैयार हो गया मास्क पहन के, अभी हम जाएंगे। दिवाली का अवसर है, यस दिवाली, जैसा कि कहा था विल बी ब्लॉगिंग अबाउट दैट। तो जा रहे हैं हम लोग चास दिवाली का पटाखा लेने, आई मीन फायर क्रैकर्स। एंड प्लीज़ वो रोना मत लगाना कि पॉल्यूशन करता है, एक दिन से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। वहाँ जाते हैं, आपको दिखाते हैं कितने में क्या मिल रहा है और फिर वहाँ जाके बताते हैं। और ये आ गए हमारे अभिमन्यु सर। अभिमन्यु सर, आपका क्या कहना चाहेंगे दिवाली के बारे में? मतलब इज इट, जो लोग कहते हैं कि पटाखा फोड़ना ऐसा वैसा इधर उधर, आप क्या कहना चाहेंगे यार? एक दिन के लिए, मेरा तो मानना है कि एक दिन के लिए, वैसे तो दिल्ली में ज़्यादा जो ही हो ही रहा है, बट एक दिन के लिए क्या करना है? एक दिन के लिए चलता है, बट एक दिन में सभी लोग एक साथ करें तो घाटा ज्यादा हो जाता है। ओके ओके, तो शायद ऐसे कम्युनिटी कंट्रोल्ड वे में, कम्युनिटी में पूल करके। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। जैसा हम लोग, जैसा मनु भाई साहब ने हमारे कहा कि पूल करके कम्युनिटी में, एक आदमी 10,000 का ही नहीं फोड़ रहा, हम लोग सब मिला के फोड़ेंगे, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। और चास में अब मिलते हैं। तो पटाखा ऐसे तो कैश से ही मिलेगा भी, बिकॉज वी आर अनश्योर कि इफ़ वी विल बी अलाउड टू पे वाया UPI और पेमेंट, डिजिटल पेमेंट और नॉट। सो कैश ही निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं। बाय द वे, वी आर इन हॉस्पिटल का ATM। प्रीवियस व्लॉग्स, और ये सामने हमारे चास, और अब जाते हैं पटाखा लेने और आपको दिखाते हैं वहाँ का दृश्य, रेट्स एंड ऑल आई विल बी टेलिंग यू देन। अगर वीडियो यहाँ तक देखे अच्छा लग रहा है तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन है वो भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए अभी आगे पहुँचते हैं। दिस इज इट, चास का जैम। सो आई वुड एडवाइज इफ यू आर कमिंग, आप आइए, मगर टू व्हीलर में। अगर आप फोर व्हीलर में आएंगे तो आपको दिख रहा है कि क्या दशा होगा। ओके, आई एम वॉकिंग बिकॉज प्रशासन ने कहा है पटाखा नहीं बिकेगा, बट स्टिल देयर इट इज, होलसेल मार्केट इन चास बोकारो, दोज आर स्टिल सेलिंग क्रैकर्स। फुलझड़ी दो दे दीजिए, चार दे दीजिए। फुलझड़ी पाँच वाली है? नहीं, कितने का ये? 200 रुपया का कुछ लगाइए। तो 45 में पैकेट बिकता बाबू। अच्छा, हम क्या करेंगे, रुक के बाबू बेच के पछताएंगे। अभी दो रॉकेट दीजिए, दो छोटा कि बड़ा? बड़ा दीजिए ना, बड़ा 200 वाला रॉकेट। अच्छा, एक छोटा एक बड़ा दीजिए। ये शॉट आपका कहाँ मिलेगा? जो लेना एक ही जगह से लीजिए ना। पेंटस का है, जल्दी के लिए, लेट सेट मत कीजिए। एक पेंटस का दीजिए। पेंटस है कैसे? चक्री एक दे दीजिए, चक्री एक दे दीजिए। चक्री छोटा में बड़ा मिलता है? छोटा दे दीजिए, ऐसा रहता है। उससे बड़ा वाला देखिए, एक बड़ा मिल दिया, बड़ा वाला वो लगा देखिए तो। दो अनार दे दीजिए, दो, एक बड़ा एक छोटा। एक बड़ा कॉफ ब्रांड का नहीं है बाबू, मेरा दुकान है मिक्स, एक पीस भी नहीं होगा, इतना विश्वास नहीं। माँ आप कल फिर नहीं रहेंगे, परसों नहीं रहेंगे, कहाँ आएंगे? अच्छा अच्छा, और आप कब से पटाखा बेच रहे हैं? एक साल पहला है कि आपका? बहुत दिन से बेच रहा हूँ। बहुत दिन निशान होगा फिर तो। एक पैकेट वाला। अच्छा, ये हो गया, और छोटा लेकर आ दीजिए, ये लाइक दीजिए चुटकू, एक बुलेट दे दीजिए। ये वाला अनार दिए? छोटा वाला दे दीजिए। ये क्या है? फटता है ये क्या? ये एक दे दीजिए, एक पैकेट दिए ना। अनार कितना? 100 वाला कि 1000 वाला? सॉरी, चटाई 1000 वाला क्यों लेना पागल है? 100 वाला दो दे दीजिए। और बोलिए, दो 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 दे दीजिए 100 वाला। इधर होगा ये क्या है? वही है। अच्छा, वो एक दिए, वो एक ही दीजिए। ये क्या, ये क्या दिया? अनार छोटा वाला, कॉक ब्रांड वाला नहीं होगा? माल इन साल आया ही नहीं बाबू। अच्छा अच्छा,
सो दैट इज व्हाट इट इज माल इज चटाई दे दिया 100 वाला हैं 100 वाला चटाई दे दिया 100 वाला चटाई ये क्या है वो फ्लावर पॉट जो दिया ना एक ये क्या है ये बम अच्छा बम दे दिया अच्छा फिर ठीक है डिलक्स ग्रीन क्या है ये हरा रंग का अनार हाँ ये एक दीजिए तो एक पेटी वाला भी दे दे एक पांच कलर का अनार आएगा चलेगा कौन सा दिखाइए इज इट अब प्राइसेस आपको हम बताएंगे वंस ही टेल्स मी द प्राइसेस बट द थिंग इज कि ये है यहाँ का पटाखा दुकान सदर बाजार ये ना ये दीजिए अरे बहुत अच्छा आइटम झाड़ी जैसे निकलेगा ले 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 क्या सारे लेन करी है क्या सारे लेन करी है क्या सारे ले हाँ वो साला की बोल तो That's it. Now he will be adding the patakas. Let's see क्या क्या ऐड होता है. So that's it. सरकार प्रशासन नौटंकी कर रही है. खैर पटाखा तो सभी फोड़ेंगे. But अभी रीता कोरेल सी. आपका नाम बताइएगा. आकाश. आकाश और आपको पटा दुकान का नाम कुछ? हनुमान प्लास्टिक. हनुमान प्लास्टिक वैसे मतलब पटाखा आप लोग साल साल बेचते हैं हर साल सीजनल ओके मतलब होलसेल में ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ पहले हो गया नहीं होलसेल में ऐसा सीजनल बेचते हैं राइट तो आइए अब आज कितना ही है आज अगर अगर ये व्लॉग आज आ जाता है तो फिर आज ही आके दे लीजिएगा और नहीं तो दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से होलसेल में In 3000 around, this is the amount of crackers what we got. Thank you, yeah. कितना हो गया? 3,085 रुपए मतलब 3,150 रुपए. So, आपने देखा कि हम लोग गए थे चास और what it is? अब let me show you कि क्या क्या होता है. This is the pent ये है pentas का ये शायद ऊपर जाता है और बहुत सारा light करता है. And दिवाली का vlog miss मत करना because let me show you the rocket. दैट इज़ इसको कहते हैं रॉकेट बट ये वो अपना PSLV और GSLV नहीं है ये है जो नॉर्मल रॉकेट जो ऊपर जाके करेगा ब्लास्ट दिस इज़ द चरकी वी कॉल इट चरकी आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज और इफ़ इट इज़ अवेलेबल वेर यू आर और नॉट सो आई वाज शोइंग यू चरकी इसे करते हैं अनबॉक्स चाकू से मैं गरीब है इसलिए स्क्रैपर यूज़ कर रहा है सो दिस इज़ द चरकी जो नीचे लग के घूमता है दिस इज़ हाउ यू पुट इट यहाँ पे आग लगा और ये नीचे अपने घूमेगा ये है अपना फ्लावर पॉट विच इज़ कॉमनली कॉल्ड अनार ये नीचे लगाओ और आग ऊपर से या ये है अपना पेंटस का है और ये ऐसे ऊपर में जाके डिफरेंट लाइट्स करता है अनार तो आपने देखा ही ये शायद आई गेस छोटा वाला अनार धूप के लिए हम इसे खोल देते हैं छोटा रॉकेट नहीं ये शायद डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर पॉट है जो हम लोग को यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा लेकिन ये तो अपना फुलझड़ी जिसको दिखा के हम लोग थोड़ा बहुत वटंकी वटंकी करते हैं एंड दिस इज़ द चटाई बम है एक नया टाइप का कुछ एक चीज़ जो हम लोग ट्राई करने वाले हैं इन दिवाली एंड दिस इज़ अपना प्यारा हाइड्रो चॉकलेट वॉट एवर बॉम इट इज़ ये है एक मिनी पटाखा वाला बुलेट जिसे कहते हैं इंडिगो ब्रांड आई डोंट नो ये चॉकलेट एंड एक और टाइप ऑफ मल्टी कलर्ड अनार फ्लावर पॉट जिसे कहते हैं द ब्रांड्स ओवर हियर आर मिक्स्ड सो कोई स्पेशल ब्रांड का नहीं है और अनबॉक्सिंग करने में इसे लग रहा है टाइम ओके बड़ा अनार दिस इज व्हाट इट इज ये है अपना पटाखा का कलेक्शन जो हम लोग दिवाली में फोड़ने वाले हैं और अगर आपको इस पटाखे की जलवेज देखने हैं तो स्टे ट्यून्ड फॉर द दिवाली वाला व्लॉग मज़ा तो आएगा पटाखों के साथ तब तक के लिए लाइक कीजिए नीचे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करिए जो यहीं कहीं नीचे आ जाएगा तब तक के लिए बाय बाय